दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में होम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PU फोम, HR फोम, मेमोरी फोम और सॉफ्ट फोम के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। दोस्तों ये जो आप अभी देख रहे हो ये है PU फोम। बेसिकली PU फोम है वो पॉलीयूरेथीन फोम से बना हुआ होता है, जिसके कारण इसको PU फोम बोलते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि कॉटन के मैट्रेस और लेटेक्स के मैट्रेस ज़्यादा यूज़ होते थे, मगर जो कॉटन के मैट्रेस थे उसके अंदर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता था और वो डी शेप हो जाता था, उसके अंदर धूल वगैरह चली जाती थी, ये दिक्कतें रहती थी। बाद में लेटेक्स में क्या हुआ, लेटेक्स के अंदर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता था और वेट में अगर लेटेक्स देखे और कॉटन देखे तो दोनों का जो वेट है वो ज़्यादा रहता है, तो इस कारण फोम के मैट्रेस मार्केट में आए और इस तरीके का PU फोम मार्केट में ज़्यादा चलने लगा। इसके अंदर क्या होता है, PU फोम होता है वो लाइट वेट रहता है, इसके अंदर अलग अलग डेंसिटी के फोम भी आपको मिलते हैं और लाइट वेट होने के कारण ये इसके जो मैट्रेस बनने लगे वो मार्केट में ज़्यादा चलने लगे, क्योंकि कंपेयर टू लेटेक्स और कॉटन देखें तो इसके अंदर एयर सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है और ईजी टू मेंटेन रहता है, इसको ईजीली आप मूव भी कर सकते हो। और इस तरीके का जो PU फोम है वो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल रहता है, इसको सोफे के लिए भी यूज़ करते हैं और मैट्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहती है। और जो PU फोम है वो जो भी आपको थिकनेस में चाहिए वो मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है, जितनी भी थिकनेस, जैसा भी फील चाहिए, अगर सॉफ्ट फील चाहिए तो भी इसके अंदर मिलता है। अब बात करते हैं HR फोम के बारे में। HR फोम है वो उसका जो फुल फॉर्म देखे तो उसको हाई रेजिलियंस फॉर्म बोलते हैं। इसको हाई रेजिलियंस का मतलब क्या है, इसको जब हम पुश करेंगे तो इसका वापस आने की जो कैपेसिटी है, जो इलास्टिसिटी है, वो कंपेयर टू PU फॉर्म ज़्यादा रहती है, तो इसको इसीलिए इसका नाम हुआ है HR फॉर्म। इसको ऐसे दबाएंगे तो वापस जो आने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू PU फॉर्म। तो HR फॉर्म है उसके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर रहता है वो भी थोड़ा ओपन सेल रहता है एज़ कम्पेयर टू PU फोम, तो गर्मी का इश्यू इसके अंदर कम आता है, एयर सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को सोफे के अंदर, मैट्रेस के अंदर बाउंस बैक चाहिए, उसके लिए ये वाला फोम HR फोम सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर बाउंस बैक देगा। वैसे लेटेक्स जो नेचुरल आता है उतना बाउंस बैक इसके अंदर नहीं होता है, मगर उसकी कंपैरिजन में देखो तो उसका ऑलमोस्ट 60-70% बाउंस बैक आपको HR फोम देगा। और इसके अंदर सॉफ्ट HR भी मिलता है, हार्ड HR भी मिलता है और मीडियम सॉफ्ट HR भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, और कोई भी थिकनेस में अगर आपको चाहिए तो वो भी मार्केट में अलग अलग कंपनियां बनाती है, एज़ पर थिकनेस वाइज आपको कोई भी थिकनेस मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो ये हो गया HR फोम। अब बात करते हैं मेमोरी फोम के बारे में। ये जो आप देख रहे हो ये है मेमोरी फोम। मेमोरी फोम का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये शेप ले लेता है, जैसे ही हम इसको ऐसे दबाएंगे वापस लेंगे तो इसको पूरा जो है हाथ का या बॉडी का पूरा शेप ले लेता है। इसको सबसे पहले नासा ने 1970 में इसका इन्वेंशन किया था स्पेस सूट के अंदर रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया शॉक एब्जॉर्बर भी रहता है। और मेमोरी फोम है वो आजकल मैट्रेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मेमोरी फोम का यही बेनिफिट है कि ये बॉडी का शेप ले लेता है, जिसके कारण बॉडी को इवनली सपोर्ट मिलता है। जिसको मैट्रेस के अंदर हाईली सॉफ्टनेस चाहिए उसके लिए मेमोरी फोम सबसे बेस्ट है, मगर दूसरे फोम की कंपैरिजन के अंदर मेमोरी फोम के अंदर जो एयर सर्कुलेशन है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर PU फोम, HR फोम। इस फोम को विस्को इलास्टिक टेम्परेचर सेंसिटिव फोम भी बोलते हैं। जैसे कि गर्मी का जो मौसम है तो गर्मी के अंदर इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आएगा, ठंडी के मौसम के अंदर इसमें थोड़ा हार्डनेस आएगा, तो ये टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा इसका फील बदलता रहता है। जब इसके ऊपर लेटते हैं तो बॉडी में जब हीट जनरेट होती है तो जहाँ पे भी हीट जनरेट होगी उस पार्ट के अंदर थोड़ा सॉफ्ट होगा और बॉडी का शेप ले लेगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट फोम के बारे में। ये जो आप देख रहे हो ये है सॉफ्ट फोम। सॉफ्ट फोम आमतौर पे सोफे के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है और मैट्रेस के अंदर भी, नीचे का जो बेस देते हैं 4 इंच का जो हार्ड फोम का बेस देते हैं वो इसके ऊपर इस तरीके का सॉफ्ट फोम लगाते हैं, 1 इंच का या 2 इंच का, कभी कभी 3 इंच का भी इसका लेयर रहता है मैट्रेस के ऊपर। और सोफे के अंदर भी सॉफ्ट फोम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। तो ये हो गया सॉफ्ट फोम। सॉफ्ट फोम के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल रहती है, इसका थिकनेस भी 10 mm से लेकर आपको कोई भी थिकनेस चाहिए उतना थिकनेस मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है। तो ये हो गया सॉफ्ट फोम। दोस्तों अगर आपको इन चारों फोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।